नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी अंचल न्यूज, आपकी आवाज़, और मैं हूं राजवीर सिंह। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश श्री भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपाइयों में खुशी का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। नजीबाबाद विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख नजीबाबाद तपराज सिंह देशवाल और वीके शर्मा मंडल अध्यक्ष ने इस अवसर पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की, जिसके बाद वे श्री भूपेंद्र चौधरी को बधाई देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी अंचल न्यूज़, आपकी आवाज़। श्रीमान जी, माननीय मंत्री जी, श्री भूपेंद्र चौधरी जी को जो इस समय उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा की ओर से, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पूर्व में संगठन के बहुत जिम्मेदार पदों पर रहे हैं जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आप रहे हैं जी। और 2019 में हरियाणा जैसे प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी भी रहे हैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, और एक सुंदर उन्होंने निर्णय वहाँ पे उनके देख रेख में हुए हैं पार्लियामेंट के चुनाव में जी। ऐसे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में दिनों दिन रात तरक्की करेगी, और उसकी कार्य क्षमता है उनकी, उसका पूरा लाभ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी एक नए आयाम स्थापित करेगी। प्रत्येक कार्यकर्ता का मत है। जैसे कि 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है, तो 2024 के चुनाव को लेकर के क्या हम इसको जोड़ के देख सकते हैं? ये भी हो सकता है, परंतु चौधरी साहब का काम करने का तरीका कोई 2024 या 2019 या 2027 का ही नहीं है। चौधरी साहब एक संगठन के पूर्ण रूप से मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और अपना एक कार्य क्षमता है उनके अंदर काम करने की। आपने अपने भिन्न भिन्न जहाँ जो दायित्व पार्टी ने जब जब आपको सौंपा है, आपने उसको चरितार्थ किया है और सुंदर तरीके से पार्टी का काम आगे बढ़ाया है। ऐसे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का अपना एक कार्य करने की पद्धति है, शैली है। तो पार्टी के इस निर्णय से जितने भी भाजपा हैं सब खुश हैं, या कोई ऐसा भी? पार्टी का संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के सेक्टर संयोजक, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश का पदाधिकारी, क्षेत्र का पदाधिकारी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा होगा कि उनके बीच का कार्यकर्ता निकल कर प्रदेश नेतृत्व को अपना प्रदेश में नेतृत्व स्थापित करेगा। हमारे कमिश्नरी मंडल मुरादाबाद से और मुरादाबाद जिले का नाम और आगे बढ़ेगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उम्मीद है। प्रमुख साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माननीय मंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, जैसा भाई साहब ने बताया, संगठन लंबा काम किया है, लंबा अनुभव है जी, उनके निर्देशन में काम करेंगे सब लोग, पार्टी को उच्च स्तर पर पहुँचाएंगे। वो एक लंबे अनुभव पूर्ण व्यक्ति हैं, जिनका लाभ संगठन को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। शर्मा जी, आप भी काफ़ी समय से जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इस समय आपके पास मंडल अध्यक्ष का पद है, तो भूपेंद्र जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, और जो इस समय उनको जिम्मेदारी दी गई है, आपको क्या लगता है किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे? माननीय मंत्री जी, जो इस समय अध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश का जी, बहुत बड़ी संगठन के लिए और हम जैसे मामूली कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धन होगा,